Hey everyone, how are you all doing? This is Muskan and welcome back to my channel, The Sake of Medicine. In today's video, we are going to talk about another very important but very small topic of organon of medicine, that is moral remedy. See, moral remedy बहुत ही छोटा सा topic है और short note में second year के paper में पूछा जाता है, right? And ये कहाँ पे दिया हुआ है, तो footnote to aphorism number 17. Now what exactly is moral remedy? I will be telling you within a few time, but if you haven't subscribed my channel, please do subscribe because आगे और भी organon के बहुत सारे videos आएंगे. And I have sore throat, so you have to bear with this creepy voice of mine, okay? So let's get started. Okay, now if I had to tell you very simple meaning of कि moral remedy क्या होता है, तो suppose दो person है, उनको अपनी अपनी कुछ problems है, right? लेकिन एक person की problem जो है वो काफ़ी ज़्यादा है दूसरे के कंपेयर में, तो अगर दूसरा वाला पर्सन जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स को इसके साथ कंपेयर करेगा, तो उसे फील होगा कि हाँ यार, मेरी तो प्रॉब्लम इसकी प्रॉब्लम के आगे कुछ भी नहीं है. थैंक गॉड कि मैं इतना कैपेबल हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं हैं. सो दैट विल गिव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन हिज ब्रेन. जिस भी चीज़ से वो डिप्रेस्ड या जो भी चीज़ से वो सफ़र कर रहा है, तो उसको रिकवर करने में ये जो पॉजिटिव इम्पैक्ट, इट विल हेल्प हिम रिकवर मोर स्पीडीली, राइट? एंड हैनेमन सर ने यही चीज़ हमें बोली है कि बींग अ फिजिशियन हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो पेशेंट है उसका कॉन्फिडेंस गेन हो, ठीक है? हम उससे इस तरह से मॉरली गाइड करें कि उसका कॉन्फिडेंस गेन हो, उसका काउंसलिंग हमें करना चाहिए. एंड बींग अ डॉक्टर, सिर्फ हमें मेडिसिन देना या ट्रीटमेंट देने तक का ही ड्यूटी हमारा नहीं होता है, हमें पेशेंट को काउंसिल करना रहता है, उसे पॉजिटिवली ट्रेन करना रहता है, काउंसिल करके उसको हम बोलते हैं मेंटली स्ट्रांग बनाना रहता है, राइट? सो इसी सारी चीज़ों को हमने मॉरल रेमेडी कहा है और कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ओके? सो लेट्स रीड. बॉडी रिफ्लेक्ट्स द फीलिंग ऑफ माइंड एंड इट इज़ ट्रू फॉर बोथ हेल्दी एंड डिसीज्ड स्टेट. ओके, हमारे माइंड में जो भी चीज़ चल रही होती है वो हमारी बॉडी रिफ्लेक्ट करती है, चाहे हम हेल्दी कंडीशन में हो, चाहे हम डिसीज्ड कंडीशन में हो, ओके? एंड इन साइकोसोमैटिक डिसीज, नाउ सी दिस टर्म इज़ वेरी वेरी वेरीड एंड वेरी वेरी वास्ट, ओके? साइकोसोमैटिक डिजीज़ का मतलब होता है, साइको मतलब कि मेंटल एंड सोमैटिक मतलब कि बॉडीली. तो साइकोसोमैटिक का मतलब होता है कि कुछ जो डिसीज़ थी वो मेंटल प्लेन पे थी, उसको कोई मेंटली प्रॉब्लम थी, और वो मेंटली प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी कि वो आगे बढ़ के बॉडीली मैनिफेस्टेशन देने लगी, राइट? सो दैट इज़ अ साइकोसोमैटिक डिसीज़. सपोज़ कोई पर्सन है, उसको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सफरिंग है या काफ़ी ज़्यादा वो प्रॉब्लम्स हैं, तो उससे क्या होगा कि उसी चीज़ को बार बार सोचते 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 एक प्रॉब्लम ऐसी आएगी कि जब उसको मेंटली फिज़िकली कोई प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी. सपोज़ उसको एनजाइटी है, ये सारी चीज़ें होगी, तो उसके बाद से उसको एनोरेक्सिया फर्स्ट सेट इन होगा. एनोरेक्सिया के बाद उसको जीआई प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, राइट? सो एक सिंपल सा एग्जाम्पल है साइकोसोमैटिक डिजीज़ क्या होता है, ओके? अब जैसे साइकोसोमैटिक है, वैसे सोमैटोसाइकिक भी होता है कि पहले तो बॉडीली प्लेन में डिजीज़ थी, अब फिर वो मेंटल प्लेन में चली गई, राइट? बट उसका मॉरल रेमेडी से अभी कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ साइकोसोमैटिक याद रखो. साइको मतलब मेंटल, सोमैटिक मतलब बॉडीली, ओके? सो इन साइकोसोमैटिक डिसीज़, जो साइकोलॉजिकल सफरिंग ऑफ मैन है, जो मैंने कहा था कि प्रोलॉन्ग्ड इमोशनल सफरिंग है, दे आर रिफ्लेक्टेड ऑन द बॉडी एंड डैमेजेस द वेरियस एनाटॉमिकल पार्ट्स ऑफ मैन. एंड दिस इज़ ट्रू इन केस ऑफ ट्रीटिंग क्रॉनिक केसेस थ्रू द एंटीसोरिक मेडिसिन. ये जो इमोशनल सफरिंग या फिर जो साइकोटिक, जो साइकोलॉजिकल सफरिंग है, ये हमें ज़्यादा एक्यूट में देखने को नहीं मिलती. जब हमारे पास क्रॉनिक केसेस आते हैं ना, तब हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, राइट? अब भाई, जब तक पेशेंट डिप्रेशन में है, तब तक उसका रिकवरी कैसे होगा, राइट? सो हैनेमन टेल्स द फिजिशियन टू एनकरेज द पेशेंट इन गेनिंग द कॉन्फिडेंस थ्रू द मॉरल गाइडेंस एंड काउंसलिंग बाय साइकोएनालिटिक टेक्निक. एज आई सेड, हैनेमन सर ने क्या एडवाइस किया था टू द फिजिशियन, दैट यू हैव टू एनकरेज दैट पेशेंट टू गेन हिज कॉन्फिडेंस, राइट? एंड टू काउंसिल दैट पेशेंट. जब एक सफरिंग पर्सन जो है वो अपनी सफरिंग को किसी और की प्रॉब्लम्स के साथ कंपेयर करेगा, तो ही विल गेट अ साई ऑफ रिलीफ,
राइट एक सिंपल सा लॉजिक है यार कि सामने वाले की सफरिंग ज़्यादा है तो तुम ये सोचोगे हाश मेरे साथ ये सब नहीं हुआ है, एटलीस्ट मैं इतनी ज़्यादा सफ़र तो नहीं कर रही हूँ, राइट? दैट इज़ कॉल्ड एज अ मॉरल रेमेडी. इट हैपन्स बिकॉज ऑफ अ सिंपल लॉजिकल एनालिसिस दैट हिज कंडीशन इज फार बेटर देन अदर पर्सन एंड दिस रिलीफ विच ही गेट्स इन कंपेरिजन विद अदर पर्सन इज नोन एज अ मॉरल रेमेडी. नाउ अभी अपने कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है? इसमें ना एक मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, मैं बता दूंगी कहाँ पे मिस्टेक है. सपोज़ एक पर्सन है, उसने एक एक्सीडेंट में अनफॉर्चुनेटली उसने अपना एक हाथ खो दिया एंड ही इज़ वेरी वेरी डिप्रेस्ड. ऑफ कोर्स भाई हाथ खोना इज़ अ वेरी बिग थिंग, तो ही इज़ डिप्रेस्ड. बट अभी उसने सेम एक पर्सन को देखा जिसने अपने दोनों पैर गवा दिए, तो ही फील्स कि भाई ठीक है चलो कम से कम मैं अपने पैरों पर चल तो सकता हूँ, ये पर्सन तो वो भी नहीं कर सकता, राइट? तो अब अपने ये एग्जाम्पल को रीड करते हैं. अ पर्सन लूजेज वन हैंड इन एन एक्सीडेंट एंड ही सो डिप्रेस्ड फॉर हिज फिजिकल डिसेबिलिटी. नाउ व्हेन ही कम्स अक्रॉस अनदर पर्सन हु हैज लॉस्ट बोथ हिज, यहाँ पे हैंड्स नहीं यहाँ पे लेग्स आना चाहिए, ओके? सो व्हेन ही कम्स अक्रॉस अनदर पर्सन हु हैज लॉस्ट बोथ हिज लेग्स, ही फाइंड्स हिज ओन कंडीशन बेटर देन दी अदर. ही थैंक्स गॉड दैट एटलीस्ट ही कैन वॉक ऑन हिज ओन लेग्स, राइट? एंड दिस कंपेरिजन वर्क्स एज अ मॉरल रेमेडी एंड रिलीव द डिप्रेशन, राइट? अब दूसरा एक एग्जाम्पल है बिजनेस फेलियर का. एक राम है और एक कृष्ण है, लाइक माइथोलॉजिकल ऐसा कुछ भी नहीं है, दैट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि दैट वन पर्सन इज़ डिप्रेस बिकॉज उसका जो बिजनेस है वो सही नहीं चल रहा है, ठीक है? बाकी सब इज़ ओके, बस उसका बिजनेस सही नहीं चल रहा है. अभी एक दूसरा पर्सन है जिसका बिजनेस तो डूब गया प्लस उसको डेट्स यानी कि कर्ज में वो डूबा हुआ है वो इंसान, राइट? बिजनेस तो डूब ही गया प्लस उस पर बहुत सारा कर्जा है. सो ये जो पहला पर्सन है उसको ऐसा लगे ओके चलो बिजनेस मेरा फेल तो नहीं हुआ है, एटलीस्ट मैं उस बिजनेस को अभी भी मेरे पास चांस है कि मैं उसको ग्रो कर सकता हूँ, एटलीस्ट मेरी कंडीशन इस पर्सन के जैसी तो नहीं है, राइट? सो दैट इज़ अ मॉरल रेमेडी, राइट? राम इज़ डिप्रेस्ड एंड कंसिडर्स हिमसेल्फ अ फेलियर बिकॉज हिज बिजनेस इज़ नॉट डूइंग वेल. He has invested so much amount of money in this life and he's not doing well. This failure is taking his nerve. अभी उसने बहुत सारा invest कर लिया लेकिन उसको वापस से उतना नहीं मिल रहा है. But when he compares his situation with Krishna, he gets a sigh of relief. Krishna lost everything in business and he is in debts. Now, Ram thinks positively that at least he has a running business in his hands and he still has a chance to improve his business. Here, Ram's condition in comparison with Krishna worked as a moral remedy, right? See, अभी अपना ये moral remedy पूरा हो चुका है. You might be thinking, what things are you reading, right? Organon एक philosophical subject है. It is the writings की जो हमारे Hahnemann sir ने जो rules दिए थे, जो guidelines दी थी regarding the principles of our homeopathy. वही सारी चीज़ें Organon में in the form of aphorism है, right? So aphorism ये जो अपना Organon है उसमें ऐसी ही चीज़ें हैं. Plus, you know, these things are practical. We have the Hahnemannian classification of diseases. Even जो अभी कोविड वाला पेंडेमिक था, that thing उसका भी ट्रीटमेंट या क्योर वगैरह जो भी, that was already mentioned in our Organon of Medicine, right? इसके जैसे ही काफ़ी सारे पेंडेमिक के केसेस भी, जैसे पहले कोलेरा का केस था, ये सारी चीज़ें भी Organon में दी हुई है. So do not lose your hope कि what thing am I reading. बिकॉज सेकेंड ईयर में वैन फर्स्ट टाइम यू ओपन द Organon बुक एंड यू सी ऑल दिस थिंग्स, यू फील दैट दिस इज़ इलॉजिकल, बट इट इज़ नॉट, ओके? एंड Organon इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, फॉर मी इट इज़ इंटरेस्टिंग, ओके? सो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ेंगे तो आ जाएगा, ओके? सो अपनी वीडियो तो यहाँ पे ख़त्म होती है. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एज आई सेड अर्लियर कि Organon की ही बहुत सारी वीडियोज़ आगे आने वाली है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के टॉपिक्स पे. एंड अगर आपको कोई नोट्स चाहिए हो तो यू कैन आस्क मी ऑन माई इंस्टाग्राम, ऑन माई टेलीग्राम एंड इफ़ यू हैव माई व्हाट्सएप नंबर, ओके? और लिंक्स चाहिए हो तो सारी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में हैं. टेलीग्राम पर बहुत सारी दो ग्रुप्स हैं मेरे, दोनों में एक्टिवली क्विजेस चलती हैं और उसकी भी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है. उस क्विज में पार्टिसिपेट करें टू बूस्ट योर पीजी प्रिपरेशंस एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग.